इन सभी इलाकों को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जिंदगी बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। यहाँ पर जो गांव में लोग रहते हैं उन्हें रोज जूझना पड़ता है जीने के लिए, बहुत ठंड, बहुत सारी मुश्किल यहाँ पर होती है। जी सर, बहुत ठंड है, फिर यही कुछ खास बात नहीं है सर। फिर भी इंडियन गवर्नमेंट ने हम लोग को पानी, इसका जल जीवन का पानी भी मिल गई। तापमान गिरता है तो पानी की झीलें इसी तरह जम जाती हैं और नदियों का पानी भी जैसे हिमखंड में बदल जाता है। एक दौर था जब पानी की बूंद बूंद पिघलाकर इस्तेमाल में लाना होता था, लेकिन अब व्यवस्थाओं ने दुश्वारियों को मात देना शुरू कर दिया है। ये देखिए, ये बाल्टी में जो पानी रह गया वो जमकर ऐसा ठोस हो गया, लेकिन अब यहां पर इस पूरी प्रक्रिया को ऐसे समझिए कि ये धूप से आने वाली जो ऊर्जा है उसे, उसका संचार इसमें होता है। मैंने पानी इसमें डाला था, पानी इसमें डाला था, और ये जो पानी निकल रहा है ये गर्म होकर इसमें से निकल रहा है। देखिए, इसमें जो बर्फ के हिस्से भी थे वो भी टूट टूट कर गिर गए हैं अब, क्योंकि ये यहाँ पर देखिए अभी भी यहाँ पर ये बर्फ लगी हुई है, लेकिन ये इस तरीके से। तो ये गाँव वालों के लिए एक बहुत बहुत बड़ी मदद के तौर पर ये हो जाती है। जैसे ही यहाँ पर धूप बहुत तेज होती है, दुनिया की छत लद्दाख के पूरे इलाके को कहा ही जाता है, तो धूप बहुत तेज मिलती है यहाँ पर, और ऊर्जा के उस स्रोत को किस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं और गांव की जिंदगी जो है वो थोड़ी बेहतर हो सकती है, उसका एक छोटा सा नमूना है ये। हजारों फीट ऊंचाई पर धूप सीधी पड़ती है और बहुत तेज होती है। धूप की यही तेजी वरदान बनी है सोलर ऊर्जा बनकर। ये ऊर्जा ग्रामीण जीवन के लिए वरदान बन चुकी है। वो देखिए, सामने जो पूरी नदी है वो पूरी तरीके से जमी हुई है, ठोस बर्फ। यहां पर अब आप देखिए कि लद्दाख में कोई सोच भी नहीं सकता था कि ठंड के इस समय में पानी आ सकता है। यहाँ पर सोलर पैनल अटैच्ड जमीन से, यानी अंडरग्राउंड जो पानी है उसे बाहर निकालकर इस तरीके से, क्योंकि जो पाइपलाइंस होती है ना यहाँ पर, वो बर्फ और माइनस में लगातार तापमान के कारण फट जाती है, उससे पानी आ ही नहीं सकता है। लेकिन ये जो गांव में एक स्रोत हो जाता है कि ये पानी का एक स्रोत है कि आप इसे ऑन कर देते हैं, एक स्विच लगा है यहाँ पर, और उसके बाद इस तरीके से पानी जो कि गाँव वालों के काम आता है, जो आम दिनचर्या की चीजें होती हैं, वरना तो यहाँ पर कल्पना से ही परे है कि आप कोई नल खोलकर वहां से पानी निकाल सकते हैं। यहाँ से आप पानी ले लेकर अपने इस्तेमाल के लिए जाते हैं, और इसी तरीके से हर गांव में इस तरह की व्यवस्था है। आसपास जितने भी लोग हैं वो सब उससे उस जल को अपना जीवन चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे पाइप लगाया है पानी का, पाइप लगाया है मैडम जी। पानी और ठंडी पूरा जम जाता है, पूरा पानी नहीं मिलता है मैडम जी। आजकल तो क्या बोलते हो, पाइप लगा के है ना मैडम जी, वो ठीक है सर मैडम जी। जी साहब, हमने एक बात है, देखो इनका आ जाता है अपना जगह हार जाता है, लेकिन वो हारने की जगह नहीं, अपना फौजी जो है वो बैठ जाएगा और भी भाग जाएगा। बहुत साथ साथ खड़ी रहे तो आप लोग आगे तक बढ़ते हैं। हाँ, आगे तक बढ़ते रहता है, हमारा बढ़ते रहता है, लेकिन हमने बोझ नहीं आता है।